हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज है ठाकुर जी के जन्मदिन के बाद में, जन्माष्टमी के बाद में ठाकुर जी की छठी। तो उस अवसर पे हम बना रहे हैं मूंग की दाल की कचौड़ी, और आप सभी को ठाकुर जी के जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और इस कचौड़ी को बनाने के लिए हमने लिए है 200 ग्राम दाल, और इसे हमने 1 घंटा भिगो दिया था, और ये काफी अच्छी, हमने धोने के बाद में हमने इसको भिगोया है। और ये दाल देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, नाखून से ही टूट रही है ये। तो ठाकुर जी की छठी हम मनाते हैं, और उसमें हम काफी कुछ बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं आज कचौड़ी, कढ़ी और चावल, जो कि वीडियो मेरे चैनल पे है कढ़ी और चावल की। तो आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की कचौड़ी, और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये दाल ले ली है, और इसको हम अब पल्स मोड पे पीस लेंगे, और ज्यादा पतली नहीं करनी, दरदरी रखनी है। ये देखिए, ये हमने एक में से दो दो कर दिए हैं, और कुछ दाने इसमें साबुत भी हैं, जो कि इसी तरीके से रहने देंगे हम। और अब इसको हम भून लेते हैं। देखिए, ये एक लैडल भर के हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि भोग का प्रसाद बना रहे हैं, और इसके साथ ही हम इसे अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। देखिए, ऑयल हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे के साथ में हम डाल देंगे ये दाल। ये देखिए, इसे अब हमें अच्छी तरीके से भूनना है लो टू मीडियम गैस पे। शुरू शुरू में ये चिपकेगी, क्योंकि दाल ये चिपकती है शुरू शुरू में, उड़द की दाल और मूंग की दाल। और जब ये हल्की हल्की भुनने लगेगी तो ये अपने आप ही सही से छूट जाएगी, चिपकेगी नहीं फिर। तो इसी तरीके से कंटिन्यू हमें भूनते रहना है लो टू मीडियम गैस पे। तो इसे भून लेते हैं पहले। ये देखिए, दाल कितनी अच्छी तरीके से भुन रही है। अब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, जो पहले चिपकी थी स्टार्टिंग में वही चिपकी है, और वो भी निकल जाएगी। और अब देखिए कितनी दाल हमारी खिली खिली लग रही है। इसे हमने बीच में एक बार चला दिया था, और ये देखिए, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का है तो उसमें चिपकना तो लाजमी ही था, पर अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसमें तो नहीं चिपकेगा। और ये इस तरीके से हमें 1 से 2 मिनट तक और भूनना है, ताकि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए, अब हमारी दाल कितनी अच्छी तरीके से भून चुकी है। और अब इसमें मिला देंगे हम कुछ मसाले, क्योंकि बहुत अच्छी शाइन आ गई है दाल के ऊपर। और अब इसमें मसाले मिला देते हैं, और एक एक दाना दाल का बिल्कुल अलग हो चुका है। और इसमें मिला देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि हम हरी मिर्चें भी डालेंगे इसमें, और 1 चम्मच लाल मिर्च का। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नमक मिलाएंगे हम बाद में। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और इस स्टेज पे हम मिला देंगे इसमें हींग। में हींग ला देंगे, क्योंकि हींग का फ्लेवर बाद में ज्यादा अच्छा आता है कचौड़ियों में। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे बस, ज्यादा नहीं। देखिए, बस 1 से 2 मिनट इसे भूनना है मसाला डालने के बाद में। और इसमें डालेंगे अब हम सौंफ। ये देखिए, ये सौंफ डाल देंगे इसमें, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला हमारा हो गया है अब तैयार। इसे अब हम ठंडा होने देते हैं और आटा लगा लेते हैं जब तक। ये देखिए, अब इसमें हम मिला देंगे 1/2 चम्मच नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये ले लिया है हमने आटा, क्योंकि हम मैदा से नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आटा से। तो ये घर का पिसा हुआ आटा है,
हेल्दी भी रहेगा। और इसमें मिला देते हैं नमक, और इसमें मिला देंगे थोड़ी सी अजवाइन। और इसमें ना तो ऑयल डालने की जरूरत है ना मोयन डालने की जरूरत है, क्योंकि घर का आटा तो वैसे भी बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए, पहले हम इसमें अच्छे तरीके से आटे को और नमक को और अजवाइन को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। और थोड़ा सा रोटी से टाइट लगाना है हमें आटा, ताकि हमारी कचौड़ी अच्छी बने। तो लगा लेते हैं पहले हम आटा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए आटा लगा लिया है, और देखिए कितना अच्छा आटा लगाया है हमने। और ये इस तरीके का आटा होना चाहिए, ज्यादा ना सॉफ्ट ना ज्यादा टाइट। तो इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम अपनी दाल देख लेते हैं। देखिए दाल ठंडी हो चुकी है, इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। और इसमें डालेंगे दो हरी मिर्चें, आप चाहें तो यहाँ पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ पर हरा धनिया कोई नहीं खाता कचौड़ी के अंदर, तो मैं नहीं डालूंगी। और इसमें हरी मिर्चें काट लेते हैं। ये देखिए हरी मिर्चें हम मिक्स कर लेते हैं, और दाल बिल्कुल ठंडी हो चुकी है हमारी, तो इसे भी एक बार मिक्स करके अच्छी तरीके से ले लेते हैं। और अब हम बनाएंगे कचौड़ी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक नींबू के साइज की डोई ले ली है, और इसे हल्का से हाथ से बेल देंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको, और इस तरीके से। और फिर इसके अंदर हम खूब सारी दाल भरेंगे। देखिए बहुत इजीली और बहुत अच्छी बनती है दाल की कचौड़ी, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पैक हो गई है। अब हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए इसे हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ताकि दाल अच्छी तरीके से सेट हो जाए अंदर। और ये देखिए इस तरीके से अब इसे हम बेलेंगे। ज्यादा बड़ी हम नहीं बनाएंगे कचौड़ी, छोटी छोटी कचौड़ी बनाएंगे। और ये इस तरीके से और बना लेते पहले। ये देखिए दूसरी कचौड़ी भी हमने भर ली है, और इसमें हम रख देंगे दाल। और दाल रखने के बाद में इस तरीके से एक हिस्सा पकड़ के दूसरे हाथ से इस तरीके से प्रेस करते हुए दाल को अंदर, और इस तरीके से कर लेना है। और फिर इसको हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, ताकि दाल अच्छी तरीके से अंदर सेट हो जाए। और फिर इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए और इसको आप बनाना चाहते हैं, काफी दिन के लिए रखना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा करारा करके सेक लीजिए, और ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी चाय वगैरह के साथ में। देखिए ऑयल हो चुका है अच्छी तरीके से गर्म, और लो टू मीडियम गैस पे हमने रिफाइंड रखा है गर्म होने के लिए। और ये देखिए दो दो कप के हम कचौड़ी सेक लेंगे। और इसे पहले बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए ये एक तरफ से सिक चुकी होंगी, तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, कचौड़ियों का। और इसे अब दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। ये देखिए कचौड़ी हमारी सिक चुकी है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच डाल देंगे इसमें। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, और इसे थोड़ा सा मैं खस्ता बनाऊंगी, ताकि हम एक दो दिन रख के खा सकें, और ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। और
आप इसके साथ में दाल भी बना सकते हैं, पर हम क्योंकि आज ठाकुर जी की छठी है इसलिए हमने बनाए हैं कढ़ी चावल और ये कचौड़ी, और मीठे में बनाई हमने नारियल दा नारियल और मेवे का पाक। तो ये हम इसके साथ में कढ़ी और चावल सर्व करेंगे ठाकुर जी के भोग के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। तो ये देखिए ये तैयार है कचौड़ियों का बैच। ये देखिए ये हमारी मूंग की दाल की कचौड़ियां हो चुकी है तैयार, और इन्हें हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और आप इन कचौड़ियों को खस्ता बनाकर सफर में भी ले जा सकते हैं और खा सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होंगी। तो मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी और वीडियो के साथ में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार।